दोस्तों इस नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में कई जो लोग हैं ना, जो अपने आप को लीडर समझते हैं, असल में वो लोडर हैं, उनकी क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं दूसरों की सफलताओं पर, या दूसरे अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हो या दूसरे अगर किसी काम को लेकर चल रहे हो ना, तो उस पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं देते हैं फालतू की, और ये आप ही के बीच के लोग हैं। दोस्तों आज मैं एक ऐसे ही बंदे की सच्चाई आपको दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों पूरी सच्चाई देखने के लिए वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी शुभम मित्तल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SH मित्तल ब्लेस पर, जहां पर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हमेशा अद्भुत जानकारियां मिलती हैं। तो दोस्तों चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर और इन महानुभाव को सुनते हैं, उसके बाद मेरा रिएक्शन उस पर देखते हैं। मंजुनाथ जी की इनकम महीने की लगभग 42 लाख रुपए की थी और महेश जी की जो इनकम थी महीने की लगभग 25 लाख रुपए की थी, और ये दोनों की इनकम को अगर जोड़ दिया जाए तो लगभग 67 लाख रुपए की थी। अगर आप इसे 12 महीने से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये तकरीबन 8 करोड़ रुपए हो जाते हैं। जी हाँ, 8 करोड़ रुपए, कोई साल का 8 करोड़ रुपया कमा रहा है, दो आदमी मिलकर साल के 8 करोड़ रुपए किसी कंपनी से कमा रहे हैं। अब देखो दोस्तों, ये है ना, ये कितना खाली आदमी है, मतलब ये मंजुनाथन जी और उनके जो सीनियर थे उनकी कमियां गिना रहा है कि वेस्टीज में उन्होंने क्या क्या किया, और वेस्टीज से उनको लगभग लगभग 8 करोड़ रुपए साल के आते थे, और अब इन्फिनिट में जाके वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग एक महीने में 100 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। तो मतलब ये लोग है ना, जो ये चीज बता रहा है, मतलब ये बंदा अनिल कुमार वर्मा, ये देखिए क्या बता रहा है, मतलब यार जो सामने वाला बंदा है वो 8 करोड़ ही कमाना चाहता होगा, भाई उसकी अपनी ज्यादा इच्छाएं होंगी, तुम भी अपने अंदर इच्छाएं जागृत करो, तुम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि तुम क्या हो, तुम वेस्टीज के गुलाम हो, तुम उनके गुलाम बने रहना चाहते हो। मंजुनाथन जी गुलाम नहीं बने रहना चाहते होंगे, बाहर आ गए भाई, सिंपल सी बात है, इसमें इतना क्या सोचना, फालतू की मतलब बातें कर रहा है कि अगर किसी कंपनी के अंदर में अचीवर्स की इनकम इतनी अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे होती है थोड़ी सी खुजली। जी हाँ, खुजली होती है, क्योंकि कंपनी के अंदर में एक सिस्टम बना है कि अगर कंपनी के अंदर में काम करने वाले लोग अगर इथिकल तरीके से काम कर रहे हैं और उनकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी है और उनकी इनकम बहुत अच्छी है, उनके नाम बहुत अच्छे हैं और उनके कस्टमर, उनके डिस्ट्रीब्यूटर, उनके डाउनलाइन उन्हें प्यार करते हैं, तो उन्हें एम्बेसडर का पोस्ट प्रोवाइड किया जाए। मेरे भाई अनिल कुमार वर्मा, खुजली तो तुम्हें लग रही है, और मुझे लगता है खुजली की कोई दवाई नहीं मिल रही है तुम्हें। मैं बताऊं खुजली की दवाई, इचगार्ड लगाओ, इचगार्ड से अच्छी खुजली मिट जाएगी तुम्हारी, क्योंकि जो ये सारी खुजली है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये खुजली वेस्टीज मैनेजमेंट की तुम्हें दी हुई है ना, क्योंकि तुम्हारी मैनेजमेंट जो है तुम्हारे थ्रू बुलवा रही है बस, और ये खुजली तुम्हें ऐसी लगी हुई है बस, तुम्हारे अंदर तक है ना, मतलब प्रभाव डाल लिए। तो अनिल कुमार वर्मा अपने काम पे ध्यान दे रहे, अजय शर्मा से लगता है तुझे जो चीजें मिली थी ना, मतलब जो सुनाई थी उसने, उससे तुझे भी तसल्ली नहीं हुई है और सुननी है भी तुझे मार्केट में। अब यहाँ से इन्हें खुजली लगनी शुरू हो गई, यानी मंजुनाथ जी को खुजली लगने लगी कि मुझे भी एम्बेसडर का पोस्ट मिलना चाहिए। ये पहले साल हुआ, फिर दूसरे साल हुआ, और जब दूसरा साल इन्होंने मार्केट के अंदर में चीजें शेयर करने लगी कंपनी को बताए बिना कि मुझे इस साल कंपनी के एम्बेसडर का पोस्ट मिलने वाला है, और ये चीजें कंपनी के अंदर में ऐसी नहीं थी, क्योंकि इनका उस तरीके से जो रुझान था पब्लिक के अंदर में वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके भी क्रॉस स्पॉन्सरिंग के केसेस मिलते थे कंपनी के अंदर में, जिसकी वजह से कंपनी इनको वेट एंड वॉच में थी कि हाँ कुछ अगर इनके अच्छे फीडबैक्स आने लगेंगे तो मैं इन्हें एम्बेसडर बनाऊंगा। लेकिन आगे चल के अभी ऐसा कोई प्लान नहीं था, लेकिन तब तक इन्होंने कंपनी के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि मुझे एम्बेसडर किसी भी हाल में बनाओ, अदरवाइज अगर तुमने एम्बेसडर नहीं बनाया तो मैं कंपनी छोड़ दूंगा। अच्छा यार ब्रह्मा भाई, एक बात बता, जब ये मंजुनाथन जी मतलब वेस्टीज मैनेजमेंट तो कह रहे थे कि मुझे एम्बेसडर बनाओ एम्बेसडर बनाओ, तुम उस टाइम वहां उपस्थित थे क्या, या तुम्हें बता के मंजुनाथन जी उनके पास गए थे, ऐसा हुआ था क्या? अगर ऐसा हुआ था ना तो उसका कुछ सबूत दिखा, खाली बोल मत, ये सबूत दिखा कि तुम्हारी कंपनी के मैनेजमेंट को मंजुनाथन ने बोला था। और अब एक बात और सुन, जो राहुल मकरानी है, अजय चड्ढा है, इसके अलावा मयूर चौधरी है, सब बड़े बड़े लेवल के लीडर थे, इन सबको भी एम्बेसडर बनना था क्या, जो ये वहां पे चले गए इन्फिनिट में, है ना, इन सबको एम्बेसडर नहीं बनना होगा, कमी तुम्हारी कंपनी में है। और जो तुम्हारी कंपनी की मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट है जिसमें बाली साहब है, सूद साहब है और एक सरदार जी है, वो तीनों पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ गई कि ये चीज़ क्यों नहीं बोलते जो तुम बोल रहे हो, तुम्हारे थ्रू बुलवा रहे होंगे, तुम्हारी मैनेजमेंट का काम यही है, तुम्हारी मैनेजमेंट दिखती बहुत अच्छी है, वो दिखती है बस, है नहीं, वो तुम जैसे लोगों के थ्रू है ना बुलवाती है, फालतू के लोग हायर कर रखे हैं, तुम जैसे लोग वहां पे कंपनी की दलाली कर रहे हो। ये अपनी कंपनी को गुस्सा में स्टार्ट कर लिए, और गुस्से में स्टार्ट करके अपनी पूरी इंटायर टीम को शिफ्ट कर लेते हैं, एक भी बंदा छोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं, सारे के सारे लोग को पूरी तरीके से पूरी टीम शिफ्ट कर लेते हैं, और करने के बाद अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं। वेस्टीज कंपनी जीरो से स्टार्ट हुई थी, वेस्टीज कंपनी से तुलना की जाती है कि वेस्टीज कंपनी जो पहले साल के अंदर 5 करोड़ का बिजनेस किया था, और हमारी कंपनी पहले साल के अंदर 100 करोड़ का टर्नओवर किया, यानी हम उनसे 20 गुना ज्यादा है। लेकिन बात यहाँ पे ये नहीं आता है कि वो 20 गुना ज्यादा स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग ये है कि वो ऑलरेडी 160 करोड़ का टर्नओवर पे इन्फिनिट ग्रुप थी वेस्टीज के अंदर में, और वो वहां पे जाके 100 करोड़ का टर्नओवर किया। हाँ, ये बात मुझे इसकी वीडियो में सही लगी कि ये जो कह रहा है कि भाई पहले साल का जो टर्नओवर है वेस्टीज का हो चाहे इन्फिनिट का हो, कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वेस्टीज 2004 में शुरू हुई थी,
विनफिनिक्स अभी लॉकडाउन के टाइम में शुरू हुई है। वेस्टइंडीज ने 2004 में जब शुरू किया था पहले साल का 5 करोड़ का टर्नओवर था, आज के टाइम में विनफिनिक्स का 100 करोड़ का टर्नओवर है। लेकिन जब आपकी वेस्टइंडीज कंपनी भी शुरू हुई थी ना तो उसने मोदी केयर के लोगों को तोड़ा था, इस बात का प्रूफ है। आपके जो खुद ओनर है ना, जो ओनर कहते हैं खुद को बाली साहब, वो खुद वहां से आए हुए हैं, तो उन्होंने वहां के लोगों को तोड़ा था, ऑब्वियस है। लेकिन आज के टाइम में आप जो कह रहे हो कि जो जे मंजूनाथ है उनका पहले साल का टर्नओवर विनफिनिक्स का 100 करोड़ रुपए का है और वो सारे लोगों को अपनी टीम के वेस्टइंडीज के लेके गए हैं वहां पे, इस बात का क्या सबूत है? अनिल कुमार वर्मा, तुम्हारे पास कोई सबूत है इस बात का? भाई साहब सारे लोग कभी भी नहीं जाते, मेन मेन लीडर जाते हैं हमेशा। ये बात आप कहीं भी देखना, आपकी टीम भी अगर कभी टूटेगी ना वर्मा साहब, मेन मेन लीडर जाएंगे, सारे लोग कभी नहीं जाते, क्योंकि सारे लोगों में से कुछ लोग जाते हैं साथ में और कुछ लोग बिल्कुल छोड़ देते हैं या वो दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। तो ये कैटेगरी होती है, अपनी बातों को बढ़ाने के लिए ना कुछ भी मत बोलो। तो दोस्तों मैं बस आपको यही दिखाना चाह रहा था कि आपकी कंपनी के जो लोग हैं ना, मतलब ये कैसे कैसे आपको बेवकूफ बना रहे हैं, कैसे आप एक इंडस्ट्री में काम करके आगे आपके जैसे लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। तो दोस्तों इन जैसे लोगों से बच कर रहिए, क्योंकि वेस्टइज वर्सेज विनफिनिक्स कर रहे हैं, कल कोई किसी और कंपनी में चले गए तो वहाँ पे उसकी बढ़ाई करेंगे, वेस्टइज की बुराई करेंगे। तो दोस्तों इन जैसे लोगों से हमेशा सावधान रहिए, और थैंक यू सो मच दोस्तों, बस यही आपको बताना चाह रहा था। इन अनिल कुमार वर्मा जैसे लोगों को भी अवॉइड कीजिए। और कैसी लगी मेरी ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हर पर्सन को ये सभी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती रहे वीडियो के बारे में। और थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी लोगों को जो मेरे चैनल को इतना प्यार दे रहे हो, थैंक यू सो मच।